So, first of all, what is a multigraph? If in a graph, multiple edges between the same set of vertices are allowed, it is called multiple graph. मतलब यहाँ पे देखो, एक सेट है ए बी, दो वर्टिसेस है, यहाँ पे एक एज है, साथ ही साथ एक लूप भी है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टी ग्राफ बोल सकती हूँ. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ ए ग्राफ हैविंग एटलीस्ट वन लूप और मल्टीपल एजेस, या तो एक लूप हो या फिर एक कुछ मल्टीपल एजेस हो, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज़ ए मल्टी ग्राफ. सो नाउ व्हाट आर डायरेक्टेड, व्हाट इज़ अ डायरेक्शन डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ. ए ग्राफ इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड ग्राफ इफ द एज सेट इज मेड ऑफ ऑर्डर्ड वर्टेक्स पेयर. ऑर्डर्ड मतलब कुछ डायरेक्शन हो जो एरोमैक से हम लोगों को दिखाया गया हो, तो वहाँ पे अगर डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ. ओके, सो व्हाट आर कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ. ए ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कनेक्टेड बाय ए पाथ. मतलब कुछ भी, मतलब हम लोग एनी टू लेंगे इसमें से वर्टेक्स, मतलब मान लो मैं ली ए और डी, ये एक पाथ में कनेक्टेड है या फिर नहीं. अगर मैं ए से सी जाऊंगी, एक एज है, फिर सी से डी जाऊंगी, एक एज है, तो ए और डी के बीच में कनेक्शन है, एक पाथ है. मतलब कोई भी रैंडमली दो एजेस, दो वर्टेक्स ले लो, अगर वो दोनों में एक पाथ होगा तो वो होगा कनेक्टेड. अदरवाइज कुछ भी, मतलब मैं अगर यहाँ पे ए और सी में कुछ पाथ ढूंढूंगी, इफ आई सर्च फॉर एनी पाथ बिटवीन ए एंड सी और बिटवीन ए एंड डी, देर आर नो पाथ, सो दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ वेयर दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट आर रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ. सो व्हाट इज अ रेगुलर ग्राफ. इफ ए ग्राफ इज रेगुलर देन द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ हैव सेम डिग्री. मतलब कुछ भी वर्टिसेस हम लोग ले लें, ए का वर्टिसेस कितना होगा कि 1, 2, 3, तीन वर्टिस, तीन ग्राफ्स मतलब दो एजेस से एक लूप है, तो यह इसका डिग्री कितना होगा 3. बी का कितना होगा 1, 2, 3. सी डी का कितना होगा 1, 2, 3. सी का कितना होगा 1, 2, 3. सो ऑल द वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, सो इट इज अ रेगुलर ग्राफ. नाउ व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ. इफ ए ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट इफ एवरी टू वर्टिसेस पेयर आर जॉइंड बाय एग्जैक्टली वन एज. मतलब यहाँ पे कुछ भी हम लोग दो वर्टिसेस ले लेंगे, ए और बी को ले, तो बस एक ही एज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लूप भी नहीं है या फिर एक्स्ट्रा कुछ एज भी नहीं है. ए और सी के बीच में बस एक ही है, सी बी और सी के बीच में बस एक ही है, तो एवरी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड जॉइंट एट बाई एग्जैक्टली वन एज, सो इट इज ए कम्प्लीट ग्राफ. इसको हम लोग डिनोट करते हैं के एन. एन क्या है, डिग्री है, यहाँ पे डिग्री क्या है, हाइएस्ट वन है, तो यहाँ पे वन होगा. व्हाट इज ए साइकिल ग्राफ. इफ ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल साइकिल. साइकिल मतलब जब डायरेक्शन होता है ना, मतलब ए से हम लोग गए बी को, यहाँ पे डायरेक्टेड है, देन बी से गए सी को, देन सी से गए ए को, तो ए बी फिर बी सी देन सी ए, तो एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए साइकिल ग्राफ. ओके,